आपके चेहरे की बेचैनी और दुख बता रहा है कि आपकी बीवी बुरी औरत नहीं थी। आप एक औरत को इज्जत, मान, उसका हक और अपने घर का तहफ्फुज़ ना दिलवा सके तो मुझे क्या दिलवाएंगे? खामोश हो जाओ तुम। मैं खामोश नहीं रहूंगा। आप गलत करती हैं, झूठ बोलती हैं और मुझे भी गलत बातें सिखाती हैं। उमर, तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। खामोश हो जाओ तुम। आगे मत आइएगा वरना मैं बाबा को बता दूंगा। साके मामू के घर पे भी आपने सीढ़ियों पे कुशन रख दिया था और छोटी मामा गिर गई थी, उनका बेबी मर गया था। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मैंने गिराया था तुम्हें, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं यहाँ भी बसने नहीं दूंगी। बावजूद तुम्हारी वैसी तुम्हें यहाँ छोड़कर जा चुकी है। अकेली रहकर तुम यहाँ अपनी मौत की दुआएं खुद मांगोगी। पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा तुम्हें यहाँ। मामा क्यों करती है सबके साथ ऐसा? आपने दादी के साथ भी ऐसा ही किया था। जब वो मर रही थी उन्होंने एक पानी का ग्लास मांगा था, आपने उन्हें पानी का ग्लास तक नहीं दिया था। खामोश हो जाओ, मैं बकवास मत करो, चुप रहो। मेरी आंख खुल गई थी जब दादी पानी के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी और आपने। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खामोश हो जाओ उमर तुम। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? जहांगीर, जहांगीर ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मा पीछे रहो, मुझसे पीछे रहो। करीब मत आना, तुम्हारी रगों में भी उस बूढ़ी सपनी का खून दौड़े। तुम भी इसी बाप की औलाद हो। मामा को ये पानी मांग रही थी और तुम खड़ी देखती रही। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर जाता। गौहर संभालो खुद को वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें जहांगीर को यकीन दिलाना है इस वक्त। जहांगीर, 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 ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये इस राबी ने उमर को कोई लालच देकर, ये सब इससे कहलवा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारे मुंह से। दफा हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या हो गया उमर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आज बाबा ने मामा को मारा है, वो मुझे भी मारेंगे। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा आपको नहीं मारेंगे। अगर बाबा ने आपको कुछ कहा ना तो मैं हूँ आपके साथ। छोटी मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरने की बात ही नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। और जो बच्चा हमेशा सच बोलता है ना उसे डांट नहीं पड़ती। उमर के लिए तो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी।
मेरा बेटा हमेशा मेरा हुक्म मानने वाला, मेरी आंख का इशारा समझने वाला, मेरे इतने खिलाफ हो गया कि उसने वो सब कुछ कह डाला जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब क्या होगा? जहांगीर को दोबारा मुट्ठी में करना आसान नहीं है। ये सब उस राबी की वजह से हुआ है। उसी की वजह से जहांगीर को इतनी हिम्मत मिली। इतने साल मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती रही, मनमानियां करती रही। उस वक्त भी जहांगीर के पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, वो तो मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता था। पता नहीं राबी ने ऐसा क्या कहा है कि दोनों बाप बेटा इतने निडर हो गए। उमर को तो मैं बाप की शक्ल देखने के लिए तरसा। क्या बात है, मैं इतनी परेशानी से फोन करके क्यों बुलाया? बैठो। हाँ बैठे। पता नहीं क्या हुआ है, इस घर में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तुम दोनों दफ्तर भी जाने लगे तो दोनों भाइयों की शरारतों और मस्तियों से इस घर में हंगामा हुआ करता था। उमर के पैदा होने के बाद भी याद है, जब वो इस घर में आता था तो तुम दोनों उसको देखकर बहार की तरह खिल उठते थे। मैं भी तुम दोनों की शादियां करके वही बहार इस घर में देखना चाहती थी। पता नहीं क्या हुआ, एक के बाद एक कयामत इस घर में आती चली गई। समझ नहीं आई मुझे बेटा क्या हुआ। अच्छा इन बातों को छोड़, मुझे ये बताएं हुआ क्या है, क्यों परेशान है? रात देर से घर आते हो, आकर सो जाते हो, सुबह जल्दी निकल जाते हो और मुझे बाद में खबर होती है कि तुम चले गए हो। बताओ, घर में इतने मसले मसाइल होते हैं, इतनी चीजें होती हैं डिस्कस करने वाली, मैं किससे बात करूं? कौन मेरे मसले हल करेगा इस घर में बेटा, बताओ मुझे। हुआ क्या बात तो बताओ। जानते हो कि शाजिब और राहत रिपोर्ट लेकर आए थे इस घर में और वो हसन के मुंह पर मार के गए हैं वो रिपोर्ट। पहले ही कह रहा था ये हसन का शक बेबुनियाद है। हाँ, और गौहर के कहने पर हसन ने टेस्ट भी करवा लिया है। आप ही क्यों कर रही हैं ऐसा? हसन के टेस्ट करवाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई अब अम्मी। इसलिए कि वो हसन के दिल में से शक नहीं निकालना चाहती, वो चाहती है कि वो शक उसके दिल में रहे। चाहती क्या है आप ही? ये चाहती है कि हसन और फरवा दोबारा से एक ना हो जाएं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं बेटा दिन ब दिन। सिर्फ आपकी वजह से इस घर से रुखसत हो जाने के बाद भी इस घर की सारी भाग दौड़ आप ही के हाथों में आपने दी। आपने हमेशा आप ही को हमारे सरों पर मुसल्लत रखा। आपने हमें हमारी मर्जियों पर नहीं बल्कि आप ही के हुक्म पर चलने का आदी बनाया। हाँ, लेकिन अब मैं उसे इस घर में अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी। वो जाए अपने घर और जाके अपना घर संभाले, और तुम दोनों भाई अपनी जिंदगियां खुशी और अपनी मर्जी से गुजारोगे। अब आपको जो करना है हसन के लिए, मेरी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस हाल में भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए भी नए रास्ते निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, और तुम देखना कि तुम्हें कितनी खुशियां मिलेंगी जिंदगी में। अच्छा ये बताए हसन का क्या करना है? उसका दिल साफ हो जाएगा, बस उसकी रिपोर्ट मिल जाने दो।
और इस रिपोर्ट के लिए पता नहीं आप ही कौन सा नया गेम खेलेंगी। कुछ नहीं कर सकती वो, अब कुछ नहीं कर सकती। कैसे कुछ नहीं कर सकती, ये कैसे कह सकती हैं आप? गौर ने मुझसे रिपोर्ट की स्लिप मांगी थी लेकिन मैंने नहीं दी, छुपा ली मैंने। मौत का तो वक्त लिखा है, आखिरी वक्त में आपके नसीब में घूंट पानी नहीं था, सिर्फ गौहर की वजह से। आप तो समझ रही थी कि वो संभल गई है, सुधर गई है, अच्छी हो गई है। उसने आपको आखिरी वक्त में घूंट पानी के लिए तरसाया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, बहुत गुस्सा है मुझे उस पर। दिल तो चाह रहा है जान से मार दूं उसे, बहुत मुश्किल से हाथ रोके हैं मैंने अम्मी। अल्लाह तुम्हें पूछेगा गौर। जहांगीर खुद को संभालें आप। मुझे इन सारी चीजों की ना पहले कभी ख्वाहिश थी और ना अब है। अम्मी ने मुझे जो भी दुआएं दी हैं, मेरी बस ये दुआ है कि वो सब कबूल हो जाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझ पे एतबार नहीं करेंगे? मुझे अकेला छोड़ दो राबी, चली जाओ यहां से। कर दिया गौहर ने आपको फोन? अब आप दोनों बहन भाई ने मिलकर क्या प्लानिंग की मेरे लिए? मुझे जहांगीर से बात करनी है। अंदर है वो, कर ले बात। जहांगीर, क्या प्लानिंग थी तुम्हारी और राबी की? क्यों किया था उसने मुझसे निकाह? सच सच बताओ मुझे। बताता हूं साकिब, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। जो कुछ तुमने अम्मी से कहा उसमें क्या हकीकत थी? कुछ नहीं।
राबी को तलाक देने के बाद मेरे और राबी के दरमियान कुछ नहीं था, वो सब झूठ है। अच्छा, वो झूठ था? झूठ था तो ये क्या है? ये बात सच है कि राबी को तलाक देने के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग बहुत गिल्ट में था। तुम्हारी बहन ने की है? बहुत पछतावा था मुझे, राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। गौर चाहती थी कि तुम किसी भी तरह राबी को यहां से बेइज्जत करके निकाल दो। मैंने उसका साथ दिया, अपनी बहन की खुशियों के लिए तुम्हारी और राबी की खुशियों को तबाह कर देना चाहता था मैं। आज किसके कहने पर आए हो तुम? अपने जमीर की आवाज पर। मैंने बहुत गलत किया राबी के साथ। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। साके राबी ऐसी नहीं है। बस बस, मत नाम लो उसका अपनी जुबान से, निकल जाओ यहां से, जाओ। झांगी ने कहा है वो सब झूठ है। उमर ने बड़ी फजूल बकवास की है राबी के कहने पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ है। बस बस करो राबी, बस। चाह रहा है इस कमरे से मैं आग लगा दूं तुमको जहांगीर। दरवाजा खोलो राबी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आज मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी। खोलो दरवाजा। सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। मैं बहुत खुश थी कि इतने अरसे बाद सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब अपनी खुशियों में वापस लौट आएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अफशा साफ इनकार कर चुकी है और उसके इनकार को हाँ में बदलना आसान नहीं है। अगर साकिब की मोहब्बत सच्ची है तो उसके लाख इनकार करने के बाद वो अफशा को पालेगा। मैं देखती हूँ। अरे साकिब भाई आप अंदर आए। अरे साकिब, हम अभी आपकी बात कर रहे थे। क्या हाल है? एकदम फिट। हाय बेटे। आप बैठे, मैं अफशा को लेकर आती हूँ। और बताएं कैसे आना वो? साकिब भाई आए तुमसे मिलने। क्यों? इन्हें तुमसे बात करनी है। उनसे कहो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। उनका हाल बहुत बुरा है, वो आखिरी बार तुमसे मिलकर कोई बात करना चाहते हैं।
जब मैं आपको कह चुकी थी कि हमारे दरमियान किसी मौजू पे बात नहीं होगी तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ। मैंने भी 100 बार सोचा कि जाऊं या नहीं जाऊं। बहुत भारी बोझ था सीने पे। अभी जहांगीर से मिलता हुआ आया हूं, उसे सारी हकीकत बता दी मैंने। तुम सही कहती थी, मेरी बहन जाल बुनती है। और उसके इन्हीं जालों में फंस के मैंने अपनी बीवी को उसके हक से महरूम किया, उसे बेइज्जत करके उसके सर से छत छीन ली मैंने। और बस यहां तक नहीं रुका, जब उसकी जहांगीर से शादी हुई तो अपनी आप ही के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को तबाह करने की फिर कोशिश की। खामोशी से दूसरों के हाथों कठपुतली बनने वाले शख्स की बेवकूफी तो देखो। तुम्हारे सामने खड़े होके तुम्हें तहफ्फुज़ देने की बात भी की, लेकिन सच तो यह है कि आज से पहले मैं मजबूत नहीं था। तुमने मुझे मजबूती दी, अपने फैसले खुद करने की कुव्वत थी, लेकिन आज भी तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। और एक और सच बताऊं, मैं तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, और ना ही कभी हो पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा प्लीज उन्हें रोक लो, बुलाओ उन्हें वापस प्लीज। तुम्हारे बाप ने तो पलट कर तुम्हारी खबर तक नहीं ली थी एक अरसे तक। दूसरी शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। ये मैं थी जिसने तुम्हें हर आसाइश हर सहूलत तुम्हारी नानी के घर मुहैया की। तुम पर किसी कुर्बानी का कोई असर नहीं हुआ। तुम उस मक्कार औरत राबी की बातों में आकर तुमने मुझे बेइज्जत करा दिया। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारी नजरों के सामने मारा पीटा बेइज्जत किया, तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज नहीं निकला, तुम मना नहीं कर सकते थे। मैंने बाबा को मना किया था। क्या मना किया था तुमने? कुछ मना नहीं किया था। अरे मना तो मैंने तुम्हें किया था कि कोई बात नहीं करना, मगर तुमने कोई लिहाज नहीं रखा। अब कुछ चीजें जिनसे मुझे निपटना है। मैं उनसे निपट लूं, उसके बाद तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की शक्ल देखने के लिए तरसा दूंगी, समझे तुम?
मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी। खोला दरवाजा, दरवाजा खोला राबी, तुम्हें तो आज मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो राबी, दरवाजा खोलो। गौहर सच में मुझे नहीं पता कि साकिब ने क्या कहा है। जहांगीर तो खुद कमरे से बहुत गुस्से में गए। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी हराम है राबी, दरवाजा खोलो, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। और ये जो जिंदगी मैं यहाँ रह के जी रही हूँ, ये भी किसी हराम से कम तो नहीं है। अल्लाह करे बाबा जल्दी आ जाए, वरना मामा तो छोटी मामा को मार देंगी। दरवाजा खोलो राबी, तुम्हें तो आज मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है ये गौहर, क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई ने क्या आकर तुम्हें कहा है, बताओ मुझे। कुछ नहीं कहा उसने, सच्चाई बताने आया था, तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आया था वो मुझे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साकिब। वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। और उमर, वो भी झूठ बोल रहा है क्या? हाँ, उमर भी झूठ बोल रहा है। इस राबी ने उसे बरगलाया तो बच्चे ने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया, झूठ बोल रहा है राबी। अरे इसे तो मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। राबी बाहर आओ। राबी बाहर आओ। अरे इसे तो मैं छोड़ूंगी, तेरी तो मौत आज मेरे हाथों में। आप आज बीच में ना आए, आज मैं इसे मार डालूंगी। बीच में आऊंगा तो क्या कर लोगी, क्या कर लोगी तुम? आज वक्त भाग देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। चली जाओ यहां से। जहांगीर, तुमने इसे तलाक देने के बजाय मुझे तलाक दे दी। मुझे दे दी तलाक? देखूंगी मैं तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उमर चलो मेरे साथ। कहीं नहीं जाएगा उमर, अकेले चले जाओ यहां से। और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, दफा हो जाओ यहां से। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने उनको अपनी गलती का एहसास दिलाया और गुनाह के दलदल से बाहर निकाला। अपना गुनाह तस्लीम करके माफी मांगने वालों को खुदा बहुत पसंद करता है। तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारी बात का असर साकिब पर हुआ और उसने अपना जुर्म तस्लीम किया। अपनी बहन की परवाह किए बगैर जहांगीर भाई के घर तक पहुंच गए। अफशान, जब इंसान अपनी गलती और बुराइयों पर झुकना सीख जाए ना, तो उसे माफ कर देना चाहिए।
के चेहरे पर सच्चाई थी, वो फिर इंसान नहीं है। प्लीज अपना लो ना उन्हें। आपके चेहरे की बेचैनी और दुख बता रहा है कि आपकी बीवी बुरी औरत नहीं थी। आप एक औरत को इज्जत, मान, उसका हक और अपने घर का तहफ्फुज ना दिलवा सके तो मुझे क्या दिलवाएंगे? खुद को संभाले, होश में आए। नहीं आऊंगी मैं होश में, कैसे मैं आऊं होश में? अरे मुझे तो तुमसे भी नफरत हो गई। तुम दोनों कैसे भाई हो मेरे? कि तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे शहर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे तलाक दे दी, मैं बर्बाद हो गई। बेटा परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या मामा को वापस ले आएंगे? नहीं, तुम्हारी मामा वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर तुम उनके पास जाकर रहना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। नहीं, मैं नानू के घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा। मैं वहां पे मामा से मिलने जाऊंगा, कब वो मुझे गुस्सा नहीं करेंगी। लेकिन फिर आप मुझे प्रॉमिस करें, आप मुझे लेने आ जाएंगे। मेरी वजह से बहुत रोई हो तुम रावी। मैं तो बस आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। मैं जब भी तुम्हारी बात का यकीन करने लगता था, बाहर अपने किसी साजिश के साथ मेरे फैसले को डगमगा दिया करती थी। जिस दिन उसने मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था।
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जानते हो मुझे किसने रोका था? बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी मुझसे, कैसे इतना बड़ा खेल खेल गई मेरे साथ। बेटा खेल तो कोई भी किसी के साथ खेल सकता है, अगर उसने खेल लिया तो क्या? तुम अनपढ़ जाहिल तो नहीं हो जो बगैर सोचे समझे फैसला कर लो। राबी को उसकी इस हरकत के लिए माफ नहीं करूंगा। बेटा जल्दबाजी में किया फैसला नुकसान देता है, पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। सोचो समझो हकीकत को जानो, फैसला तो तुम्हारा ही होगा। बस राबी को उसके हाल पे छोड़। अम्मी ने वो गौहर को फेवर देते हुए अक्सर हमारे साथ ज्यादती कर जाया करती थी, लेकिन उनकी नजर बहुत गहरी थी। उन्होंने रोका था मुझे। आंटी तो बहुत अच्छी थी। अगर मैंने उस दिन उनकी बात ना मानी होती तो आज तुम्हें खो चुका होता, और मेरे हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ ना होता। मैंने जिस दिन तुम्हें अपनाया था ना, उस दिन अपने आप से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आज फिर तुमसे माफी मांग कर वादा कर दो हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दो। कहा कि तुम कल मुझसे मिलके कुछ कहना चाहती हो, मुझे रहा नहीं गया, मैं फौरन ही चला आया। बोलो ना क्या कहना है। अगर आप सच में एक औरत को बीवी का हक और तहफ्फुज दे सकते हैं तो मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करने को तैयार हूं। कसम खाता हूं, कसम खाता हूं कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।